इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं टी डी एस ऑन कैश विद्रोवल्स अगर आप किसी बैंक अकाउंट से कैश विदड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कितना कितना हम कैश विदड्रॉ करेंगे कि मेरा टी डी एस काटना स्टार्ट करेगा बैंक तो उसका प्रोविजन्स यहाँ पे हम लोग पूरा एक एक करके देखेंगे कि क्या उसका प्रोविजन्स है देखिए क्या प्रोविजन्स है बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए माइंड में कि व्हाट इज टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल अंडर सेक्शन 194 एन देखिए टीडीएस जो है ये कैश विड्रॉल्स पे 194 जो सेक्शन एन है वो एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे इसके अनुसार से क्या लॉ है क्या रूल है वो हम लोग देखते हैं बोलता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 एन ऑफ द एक्ट टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड इफ अ सम और एग्रीगेट सम विथड्रॉन इन कैश बाय अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ठीक है अगर एक स्पेसिफाइड एक स्पेशल एक एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कैश विद्रॉ करते हैं कितना कैश विदड्रॉ करते हैं तो देखिए दो लिमिट है यहाँ पे एक बीस लाख का और एक एक करोड़ का है बीस लाख रुपए किसके लिए है अगर आप पिछला तीन साल आई फाइल नहीं किए हैं तो अगर आप बीस लाख रुपए आपका लिए थ्रेसोल लिमिट कितना बन जाएगा बीस लाख रुपया और वही अगर आप, आप आई फाइल किए हैं पिछले तीन में से किसी भी एक ईयर का तो आपके लिए जो थ्रेसोल लिमिट है वो क्या हो जाएगा एक करोड़ रुपया हो जाएगा मतलब आप एक करोड़ तक कैश निकाल सकते हैं टी आप पे डिडक्ट नहीं होगा तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट आपका क्या, क्या है कि हु डिडक्ट टीडीएस ऑन कैश विद्रोवल अंडर सेक्शन फोर एन ऑफ द एक्ट कौन डिडक्ट करेगा तो सिंपल सा बात है कि आप कहां से विद्रॉ करिए बैंक से करिएगा तो चाहे वो पब्लिक बैंक हो प्राइवेट बैंक हो कोऑपरेटिव बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो अगर ये सबसे अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा थ्रेसोड लिमिट आपको पता है बीस लाख और एक करोड़ बीस लाख अगर आप तीन साल तक आईटीआर फाइल नहीं किए तो बीस लाख है और तीन साल में किसी भी एक ईयर में आप तो आपके लिए एक करोड़ लिमिट बन जाता है तो इस तरह से देख सकते हैं अब यहां पे तीसरा हम लोग जो देखते हैं टू हुम इज टी डी एस ऑन कैश अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट नॉट एप्लीकेबल मतलब कि कौन सा पर्सन के लिए जो है ये नहीं है ये एप्लीकेबल नहीं जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है ठीक है हम और आप हैं हम और आप किसी अपना बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं अपना आई अगर हम फाइल किए हुए हैं तो उस केस में मेरा जो है वो थ्रेसौ लिमिट एक करोड़ हो जाएगा हम आई फाइल नहीं किए हुए तो मेरा करोड़ जो थ्रेसौ लिमिट है वो बीस लाख रुपया कैश अगर निकालते हैं तो मेरे ऊपर टीडीएस स्टार्ट हो जाएगा उसका तो वही यहां बोल रहा है कि आखिर ये कौन-कौन सा पर्सन जिन पे टीडीएस नहीं कटेगा। देखिए बोलता है कटेगाक्शन एन नॉट अप्लाई टू विद्रोवल विद्रोवल मेड बाय पर्सन अगर ये लोग कैश विद्रॉ करते हैं ना तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर कैश विद्रॉ करेगा तो इसका टीडीएस नहीं कटेगा प्राइवेट और पब्लिक बैंक सेक्टर अगर कैश विद्रॉ करता है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा एनी कोऑपरेटिव बैंक कट अगर कैश विदड्रॉवल करता है तो नहीं बनेगा पोस्ट ऑफिस कैश विदड्रॉ करता है तो नहीं बनेगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी बैंक बैंक से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है अगर वो कैश विद्रॉ करता है तो उस पर भी टी नहीं डिडक्ट होगा ठीक है वाइट लेवल ए ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक ठीक है कोई भी अगर जो ए ऑपरेटर्स होते हैं अगर वो कैश विद्रॉ करेंगे तो उनके लिए नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उस केस में भी आपको टी डी एस डिरेक्ट नहीं होगा अगर आप ये क्या है कैश uh, विदड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप इम्प्लॉयी हैं नहीं इम्प्लॉई का बात नहीं कर रही ये ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा है ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक के इंप्लॉई हैं तो उसका वो चीज़ नहीं है सिर्फ बैंक का बात कर रहा है यहाँ पे ठीक है ऑथोराइज डीलर ऑफ इट्स फ्रेंचाइजीज एजेंट सब एजेंट फुल फ्लैज मनी चार्जर ठीक है लाइसेंसड बाय आरबीआई इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट्स ये सब अगर करते हैं तो इनके केस में जो है वो टी डीएस एप्लीकेबल नहीं है ये लोग अगर कैश विदड्रॉ करते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में आपका क्या होगा कि टी डी एस एप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रॉम वेन इज टीडीएस ऑन कैश इतना एप्लीकेबल कब से ही एप्लीकेबल हुआ है तो बोलता है टीडीएस ऑन कैश अंडर सेक्शन फोर एन ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल स्टार्टिंग फर्स्ट फर्स्ट सेबर टू जीरो वन नाइन और फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस से ये स्टार्ट हुआ है आपका एप्लीकेबल हुआ है वहां से आपको टीडीएस डिडक्ट करना ये स्टार्ट हुआ है नया बोलता है एट व्हाट रेट है ना टीडीएस ऑन कैश अंडर सेक्शन डिडक्टेड मतलब किस रेट पर टीडीएस डिडक्ट होगा तो टू परसेंट के अनुसार से है टी डी एस करोड़ इफ दर्सन विद्रॉइंग द कैश है ना तो एक करोड़ है अगर दो परसेंट रेट सेम है रेट दोनों के लिए सेम है बस थ्रेसोल्ड जो है एक करोड़ है दो परसेंट कटेगा लेकिन अगर आप बीस करोड़ वाले में आ रहे हैं मतलब आप अपना अगर नहीं फाइल किए हैं रिटर्न तो बीस करोड़ से जैसे ऊपर जाएगा तब तक तो दो परसेंट कटेगा और जैसे ही एक करोड़ से ऊपर चल जाएगा तो आपका वो जो रेट है वो कितना चला जाएगा पांच बन जाएगा है ना तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोविज़न है वन एन का अब यहाँ पर आप ना एक चेक कर सकते हैं आई का पोर्टल पर एक फीचर है आप जैसे होम टैब में जाइएगा तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा आपके लिए कौन सा जो थ्रेस लिमिट है वो कितना एप्लीकेबल है है ना तो आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन यहाँ ये है, यह है टी डी एस ऑन कैश विदड्रोवल यहाँ पर जाइए और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है अपना पैन नंबर डालना है देखिए यहां पे आपको क्या करना है पैन नंबर डालना है लेट सपोज जैसे कि हम अपना पैन नंबर डालते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे ऊपर 20 लाख वाला है या फिर एक करोड़ वाला लिमिट है तो अगर हम अपना आई फाइल किए होंगे तो मेरा एक करोड़ हो जाएगा अगर आई फाइल नहीं किए होंगे तो क्या हो जाएगा बीस लाख रुपया हो जाएगा तो आप यहां से अपना पैन नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं जैसे डालिएगा आपको यहां पे फोन नंबर डालना है कोई भी फोन नंबर आपको डालना है यहां पे ओ आएगा ठीक है आप यहां पे फोन नंबर डालिए और कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिएगा तो यहाँ पे एक आपके फोन पे ओ जाएगा ओ डालिए यहाँ पे आपको थ्रेश पता चल जाएगा कि किस किस आपका जो है किस रेट से आपके ऊपर एप्लीकेबल है ना देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ टू परसेंट ऑन कैश विदल एक्सिस रुपीज एक करोड़ मतलब मेरे लिए कौन सा एप्लीकेबल है टू परसेंट क्योंकि हम आईटीआर फाइल किए हैं है ना लेकिन अगर वैसा वैसा पैन जिस पे आईटीआर फाइल नहीं हुआ है तो उस केस में उस केस में भी देखते हैं कि क्या 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 कैसे चेक करेंगे हम लोग ठीक है एक और पैन नंबर है इस पे हम लोग चेक करते हैं कि इस पे कितना का लाइबिलिटी है ठीक है फोन नंबर डालना है आपको यहां पर कंटिन्यू करना है तो देखिये ये जो पैन नंबर है इस पे क्या है कि ये पिछले तीन साल का कभी रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ इस पैन पे तो यहां से हमको देख लेते पता चल जाएगा टोटल ओटीपी डालेंगे यहां पे

तो उस केस में आपको देखना है यहाँ पे कि हम किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं आप आई फाइल किए हैं उसके बावजूद भी बीस लाख रुपए देखेगा और टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो ऐसा नहीं होता है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है उम्मीद करते हैं कि आपको ये 194 एन जो सेक्शन है वो पूरा समझ में आएगा थैंक यू सो मच